अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, 9:30 के लगभग बजे होंगे। तो यहाँ मैंने जो भी प्लांट लगाई थी ना, जो आप लोग के साथ शेयर किया था ना, उसमें खाली बोतल का बना के उसमें सारे प्लांट लग गए, क्योंकि 4-5 दिन हुआ और बिल्कुल भी हरे भरे हैं। तो काफ़ी खुशी होती है ना देख के, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ ना, वो सूख ही जाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है सभी लग जाएंगे। जो है ना किचन का ना काउंटर टॉप का ना थोड़ा सा उस पर ना मेक ओवर करूँगी, तो इसके लिए मैंने मीशो से मंगा लिया था वॉलपेपर। तो ये जो किचन का काउंटर है ना, वो थोड़ा सा कहीं कहीं से झड़ गया है, वो टाइल्स तो वो देखने में ख़राब लगता है। तो इसके ऊपर ये वाला जो वॉलपेपर है ना, जो कि टाइल्स ही कलर का, काउंटर के कलर का ही है, ब्लैक मार्बल जो रहता है उसी कलर का, और ये वाटर प्रूफ है, और इस पर ज़्यादा गर्म खाना वगैरह भी जो रखेंगे ना, तो उस पर कुछ नहीं होता। ये स्पेशली बोला गया है कि किचन ही के लिए ऐसा तो लिखा हुआ था, और देखते हैं कैसा चलता है। तो भी इसको लगाने के लिए ना, इसमें सेल्फ एडिसिव रहता है पेपर, बस उससे हटाते जाओ और ये इसको चिपकाते जाना होता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और धीरे धीरे जो है ना इसको सेट करके करना होता है। तो सबसे पहले जहाँ पे आप लगाना है ना, उसे बिल्कुल भी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अच्छे से इसको क्लीन करके सुखा लिया था काउंटर टॉप को, और उसके बाद जो है लंबाई में से इसके लिए मैंने 3 रोल मंगाया था, और 3 में से बस थोड़ा ही सा बचा था। तो फिर ये रहा फयान ही मिलके लगा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बारीक काम है और एहतियात से करना पड़ता है, तो ऐसा काम रहफ ही करती है। तो अच्छा से इसे सेट कर करके थोड़ा थोड़ा चिपकाना होता है, उसके बाद आप कपड़ा से या पेपर से उसे बराबर करते जाएं, फिर थोड़ा थोड़ा हटाते जाएं। लेकिन ये जो है लग तो अच्छे से जाता है, टाइम लग गया था 1 घंटा, लेकिन इसके बाद जो है ना लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और यहाँ का जो है ना पूरा लग रहा था कि कुछ नया ही इस पर बन गया। तो हम लोग ये अभी पुराना ही किचन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि है ना इसके साथ स्टोर रूम रखा हुआ है, तो अच्छा लगता है, सहूलत हो जाती है। और नया किचन अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्या, थोड़ा कैबिनेट वगैरह उसमें नहीं लगा है, इसलिए हम लोग इसी में यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल स्टिकर मंगा लिया था, वो भी यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। 2 दिन पहले ये वॉल को पेंट किया था, लेकिन अभी तक सूखा नहीं है, ये नमी बहुत ज़्यादा है किचन में, तो इसको भी थोड़ा सा चिपका देना। कंटेनर वगैरह मंगाया था ना मीशो से, आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी यहाँ पे चिपका दिया है, और हमारे किचन का जो है ना बदल गया था, किचन का चेंज हो चुका है। देखिए हमारा चेंज हो गया, और इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ये सब काम निपटाया, और हम लोग का अभी लंच भी नहीं बना था। तो आज मैं बनाऊंगी ना चिकन हांडी, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत झटपट में बनाना हो तो सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ हांडी चिकन बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बोनलेस लिया है, विथ बोन भी ले सकते हैं। तो बस इसमें ना 1/2 लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के ना बस इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए करेंगे रखेंगे। और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ का प्याज का पेस्ट बना लिया है, और 2 बड़े साइज़ का टमाटर, और 10 से 12 काजू का, दोनों का अलग अलग पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा पैन में ऑयल गर्म कर देंगे, और ये जो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है ना, हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इससे है ना बहुत ही सॉफ्ट सी अंदर सी सॉफ्ट से चिकन हो जाता है, और कोटिंग भी अच्छी आ जाती है, और इसका टेस्ट बढ़ जाता है, और इसे फिर ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसे हल्का सा ही फ्राई करना है हमें। तो बस 1 मिनट बाद इसे पलट के इसे फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई कर लेंगे, तो फिर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल लिया है, और हमने जो पेस्ट बनाया था ना, मैं पहले 1 टीस्पून मैंने भर के डाला 1/2 लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हाई फ्लेम पे हमें बस सारी चीज़ों को बस फ्राई करते जाना है हाई फ्लेम पे। तो यहाँ मैंने इसे 1/2 लहसुन का पेस्ट को फ्राई कर लिया है, उसके बाद हमें प्याज को भी जो हमने पेस्ट बनाया था ना, तो वो भी इसमें फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई जो है ना प्याज को ज़्यादा देर करेंगे, 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे, ताकि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाने के बाद हम इसमें 2-3 पाउडर मसाला जो बेसिक होता है, तो यहाँ मैंने सॉल्ट डाल दिया है, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसे भी हम 2 मिनट तक मसाला प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने काजू और टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, वो भी ऐड कर देंगे, और इसे भी हम भून लेंगे जब तक इसे ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। टमाटर को भूनना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है, और ये जो काजू हमने डाला है ना, तो ये सट जाएगा, तो इसको है ना चलाते रहिएगा, और इसे भी मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा अच्छे से भुना चुका है।
इसके बाद जो है ना हम इसमें आधा कप जो है ना दही डालेंगे। तो दही जो हमारी ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए ना। तो ये दही और टमाटर दोनों जो इसमें पड़ता है ना, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और ये खट्टा नहीं होता है, क्योंकि ये दही हमें थोड़ा सा ही डालना है और ताज़ा डालना है। तो दही डाल के भी लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये दही जो भी डालने से ना फट जाता है। तो दही के साथ भुनाने के साथ मसाला, उसके बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये चूंकि ये बोनलेस है तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बस थोड़ा 10 मिनट हमें लो फ्लेम पे इसे पका लेना है। उसके बाद जब ये अच्छे से गल जाए तो हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ हमारी भुना ही गई थी, तो अब भुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है और ये चावल रोटी सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से आप जो है ना हरा धनिया जरूर डालेगा, मेरे पास नहीं था, और ये हरी मिर्ची तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन आपके पास हो तो बहुत ज़्यादा करके डाल दीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमारा हांडी चिकन सिंपल सा और टेस्टी सा बिल्कुल बन के तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो लंच वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, रहा के स्कूल जाना था, कुछ काम था, इसका 10th का फॉर्म भरा रहा है तो बस उसी के लिए सिग्नेचर वगैरह लेना था, तो मैं यहाँ स्कूल आ गई थी। उसके बाद यहाँ अपने पार्लर आ गई थी, क्योंकि आज पार्लर का डीप क्लीनिंग कराना था। तो काफ़ी दिनों से ना पार्लर का डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो वही हो रहा था, वही कराने में आ गई थी, तो पूरा दिन आज लग गया था। तो सारी चीज़ों को हटा हटा के हमने बाहर निकाल के तब इसे पूरा आज सफाई हुआ है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल।